दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये हनुमान मंदिर है, ये पटेल चौक है, SGM नगर कहलाता है ये। और ये यहाँ पर ये बड़कल विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद, यानी हरियाणा की बड़कल विधानसभा क्षेत्र है जो फरीदाबाद जिले में पड़ती है। और ये हम यहाँ इस टाइम खड़े हैं पटेल चौक पर, और ये हमारी देश रोजाना की चुनावी एक्सप्रेस आपको दिखाई दे रही है, जो शहर के कोने कोने में फरीदाबाद की जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें सारे हम घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे लोग जो चुनाव चल रहे हैं उनमें वो क्या सोचते हैं, किस पार्टी का जोर है, किस पार्टी के उम्मीदवार का जोर है, कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, और आने वाली 8 तारीख को किसकी किस्मत बदलेगी और कौन विजयी होगा, कौन सी पार्टी विजयी होगी, कौन से उम्मीदवार विजयी होंगे, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा। दोस्तों मोटे तौर पर यदि हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर या बड़कल क्षेत्र या पूरे फरीदाबाद क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। मोटे तौर पर तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में मोटे तौर पर यहाँ पर जो राजमाइश हो रही है या मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में लगता है। हालांकि बीच बीच में जैसे कि पृथला विधानसभा सीट है, वहाँ पर नैनपाल रावत और कुलदीप डागर वगैरह जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिले वो भी ताल ठोक रहे हैं, जो अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। हाँ चाचा, क्या हाल है आपका, क्या हाल है, क्या नाम है? नाम से क्या लेना है? नाम से हम बातचीत कर रहे हैं, चुनाव चल रहा है। भाई साहब से पूछो। नहीं, उनसे रहने वाला नहीं हूँ। कहाँ? अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, बाहर के हैं? ओके ओके। हाँ भाई दोस्त, ये आपका टूटी हड्डी जोड़ने के माहिर हैं, तो पहले हड्डी तुड़वाएं फिर आपके पास आएं, तब आप हमारी सेवा करोगे। तो दोस्त बताएं क्या नाम है आपका? इसी खान। अच्छा, तो ये आपका जो इलाका है सारा, SGM नगर है या पटेल चौक है, ये सारा जो है बड़कल क्षेत्र पड़ता है, बड़कल विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ का क्या माहौल है? कौन कौन? माहौल जी फिलहाल तो विजय प्रताप जी का। विजय प्रताप का है? कौन सी पार्टी के उम्मीदवार है? ये कांग्रेस से। कांग्रेस से उसका ज्यादा है? इस पिछली बार तो भाजपा जीती थी यहाँ से। पहले भाजपा जीती थी, भाजपा को वोट भी दी थी, सारा कुछ किया था, उसका विकास नहीं मिला। अच्छा, मतलब काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ तो इसलिए अब जो वादे हुए थे इसी खान जी, हाँ जी, वो पूरे नहीं हुए? एक भी पूरा नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बड़कल सभा जाके देखो, जो बड़कल से खड़े हुआ ना, ये पूरा वो है, जो वहाँ पे जाके देखो क्या हाल हुआ पड़ा बड़कल गांव का। क्या हाल है बताइए? नाले वाले सारे बंद हुए पड़े हैं, सड़क खोद के पटक रखी है, पूरा बारिश में निकड़ा नहीं जाता। महंगाई तो जी सबसे ज्यादा होगी पहले से। पहले कभी इतनी नहीं इतनी महंगाई नहीं थी, पेट्रोल पे भी महंगाई हो गई है, राशन पे भी। जब जो है हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो महंगाई का भी एक बड़ा मुद्दा बना था। महंगाई उस टाइम 400 रुपए वो था सिलेंडर, गैस का सिलेंडर था, उसको लेकर प्रदर्शन भाजपा नेताओं ने किया था। इन्होंने तो 1100 तक का कर दिया। 1100 का कर दिया। पेट्रोल उस टाइम 60 रुपए के आसपास, 60 रुपया था, आज 100 के पहुंच पर पड़ा। अच्छा, एक और बात बताएं कि वो 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंचे या नहीं? जी 15 रुपया भी नहीं आए। 15 रुपए भी नहीं आए? नहीं आए। आपके किसी भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, देश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी,
आपके परिवार से किसी को रोजगार मिला? किसी को नहीं मिला जी, फिलहाल तो अपने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उसी से खा पी रहे हैं। रोजगार भी नहीं, कुछ भी रोजगार नहीं है। 15 लाख भी नहीं, कुछ भी नहीं है। महंगाई भी नहीं घटी? महंगाई कुछ नहीं घटी है, बस इसने थोड़ा ये राशन जरूर बनाया, कि राशन का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपको 5 किलो चावल राशन वगैरह या तेल या आटा वाटा पहले मिलता था, ये तो अभी ये बंद है। अच्छा, वो पहले भी राशन की दुकानों से मिलता था? हाँ। सस्ती दरों पर, लेकिन इस बार तो फ्री दे रहे हैं। अब तो कुछ भी नहीं है, राशन ही खत्म कर दिया, राशन कार्ड ही खत्म कर दिया। राशन कार्ड खत्म कर दिए? हाँ। कुछ नहीं मिल रहा? बस वो दिखा दिया किसकी तो इनकम ज्यादा है, वो राशन कार्ड ही नहीं बना। तो जो 80 करोड़ लोगों को दावा कर रही है सरकार मुफ्त राशन देने का, तो आपके गांव का, आपका बड़कल गांव है? हाँ जी। तो बड़कल में लोगों को फ्री में राशन नहीं मिल रहा? बड़कल में राशन मिल रहा है, जिनका राशन कार्ड बन चुका है। जिनका राशन कार्ड बन चुके हैं? बन चुके हैं। हाँ, बहुतों का तो राशन कार्ड ही कट कर दिया। कितनी आबादी है बड़कल की, बड़कल गांव की? बड़कल गांव में जी कम से कम ना तो 10-12 हजार वोट। 10-12 हजार वोट है? 10-12 हजार वोट का मतलब हो गया कितने परिवार? कितना अंदाजा तो मैं नहीं लगा, मतलब 10-12 हजार में कितने लोगों को फ्री राशन मिल रहा होगा? जी मैं तो राशन वाले के पे काफी दिन हो गया कि जाता भी नहीं हूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं बात राशन कितनों को मिल रहा, कितनों को नहीं मिल। क्या नाम बताया था आपने? मैंने इसी खान नाम बताया। इसी खान। तो दोस्तों, हम जो है यहाँ पर, हमने बताया कि बड़कल विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, हमारी देश रोजाना एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है, जो घर घर जाकर चौराहे पर, दुकानदारों में, बाजारों में, सब्जी मंडी में, आम और खास लोगों के बीच जाकर लोगों के राय जान रहे हैं, क्या माहौल है, किस पार्टी का उम्मीदवार भारी किस पर पड़ रहा है, किसकी संभावनाएं ज़्यादा है। तो ये इसी खान जी थे, इन्होंने बताया कि जो भाजपा ने वादे किए थे महंगाई को कम करने के, वो डबल हो गए हैं, या जो 15 लाख देने का, 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, वो भी वादा टाएँ टाएँ फिस रहा है, पेट्रोल भी लगभग दुगने दामों पर पहुंच गया है। तो ये भी दावा करते हैं कि बड़कल गांव के रहने वाले, जिस गांव के नाम से इस विधानसभा का नाम पड़ा है, कि वहां पर ये भी नहीं जानते कि किसी को फ्री में राशन मिलता है, बल्कि पहले जो है राशन कार्ड बने हुए थे, उनसे जो है लोगों को सस्ती दरों पर राशन मिला करता था, अब ये कह रहे हैं कि अब वो नहीं मिलता है। और इनका ये भी दावा है कि जो भाजपा ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इसके अलावा इसी खान जी कहते हैं कि इन्होंने, यानी मुस्लिम समाज ने भी पिछली बार भाजपा उम्मीदवार यानी सीमा तरखा जी को वोट दिए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए, इसलिए इस बार जो ये माहौल बता रहे हैं और वोट देने की बात कह रहे हैं, हालांकि हम ये पूछते नहीं हैं कि किसको वोट देना है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो विजय प्रताप सिंह है, इस बार हम उसको वोट देंगे और उसके जीतने की संभावना। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी जी। तो ये थे इस्सा खान जी, बड़कल गांव के निवासी हैं, और ये पटेल चौक है, हनुमान मंदिर है, साथ में शमशान घाट है, ये सड़कें भी तोड़ गई। अच्छा जी बताएं, आइए क्या पूछना है? पूछिए भाई, आप विधायक ने वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? आपको पहले नाम बताइए दोस्त। मेरा नाम पुनीत है, मैं फरीदाबाद। जोर से बोलो यार, जवान आदमी हूँ। मेरा नाम पुनीत है, मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ। पुनीत, और यहीं के रहने वाले हो, और आपका क्या नाम है? अविनाश कुमार नाम हुआ मेरा। अविश कुमार नाम है? अविनाश। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या यहाँ बड़कल क्षेत्र में भी, या पूरे फरीदाबाद की जो 6 सीटें हैं, या फरीदाबाद जो लोकसभा की 9 सीटें हैं, या आपका बड़कल सीट है, इसमें आपको क्या? लोकसभा की 10 सीटें हैं, पहली बात तो 9-10 है, 9 है भाई, चलिए बहस मत करिए, 9 हम जा रहे हैं। हरियाणा लोकसभा 10 सीटें हैं ना? 9 कोई बात नहीं, अरे ना, वो लोकसभा की है, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र। वो विधानसभा के, आपने लोकसभा बोल दिया था ना, वो लोकसभा क्षेत्र। अच्छा ठीक है, मैं देखिए फरीदाबाद की जहाँ तक बात है, 10 साल पहले जो यहाँ पे थे सांसद भूपेंद्र भड़ाना, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, जो फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था, ठीक है, और मैं बता दूँ फरीदाबाद में एक
कौड़ी का भी विकास नहीं हुआ था। ये कौड़ी का विकास नहीं हुआ। ठीक है, वो आपका बटखल झील है, सूख गया था। ठीक है, ये आपके सड़कें यहाँ पे धूल उड़ती थी, ये भी जो भी सड़कें दिख रही कोई सड़कें नहीं थी। आप यहाँ पे जितनी मेट्रो वगैरह में सड़क वहाँ पे आपको पूरा धूल दिखती थी, अब वो धूल बिल्कुल गायब है। ठीक है, चारों आपको जहाँ पे आपको चौतरफ वो मिलेगी, चारों वो मिलेगी रोड, चौतरफा रोड, वहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे जो किए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या होता है, गर्मी में क्या होता है कि पानी आना बंद हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि ट्यूबवेल से पानी गवर्नमेंट भिजवा रही है, जो यहाँ की विधायक है वो कॉलोनी वगैरह में पानी आ रहा है। अब तो विधायक नहीं रही, विधायक नहीं रही, उसे कोई पसंद भी नहीं करता क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, हाँ, उसने काम किया है, सांसदों ने भी काम किया, लेकिन दिक्कत क्या है बीजेपी के, उनकी वो ना लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब वो लोग वो जाते नहीं है लोगों के घर घर में, वो सिर्फ क्या होता है कि मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, मतलब मोदी को उनको लगता है कि हाँ वोट आ जाएगा, बीजेपी में लड़ रहे टिकट पे तो वोट आ जाएगा, हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं, हाँ वोट आ जाएगा, लेकिन हाँ लेकिन दाताओं के हमें कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं वो नायक, लेकिन हाँ अभी इस जिस इस साल में जितनी गर्मी पड़ी है वो रिकॉर्ड तो गर्मी पड़ी है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बिजली की कोई कमी नहीं, इतनी गर्मी के बावजूद बिजली पूरा आया है। ठीक है, पानी एसडीएम नगर में, या तुम कहाँ रहते हो? एसडीएम नगर में, लेकिन साथ में एक सेक्टर में तो बहुत बुरा हाल रहा है बिजली का। नहीं है वो, देखो उनके लिए तो क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, अगर आधा घंटा बिजली भी चली जाती होगी तो उनको लगता होगा बिजली चली गई है, 21 सेक्टर में हो सकता है बिजली जाएगी, बहुत ज्यादा लगता नहीं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। कितना जाता है बिजली? दर्जनों बार जाती, मेरे यहाँ पे नहीं जाती। बहुत अच्छी बात, शिफ्ट हो जाइए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप कॉलोनी में शिफ्ट हो जाइए, ऐसा करिए आप सेक्टर से कॉलोनी में शिफ्ट हो जाइए अगर आपको ऐसा लगता है। नहीं, आपका लब्बो लुभाव ये है कि भाजपा के नेता, सुनिए सही, मैं आपको पूरा परसेप्ट बता रहा हूँ, परसेप्शन क्या है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी कुछ भी कर दे, कितना भी राशन दे दे यहाँ पे, 5 किलो राशन दे दे, उनके घर में करोड़ों पैसा भिजवा दे, मुसलमान तो वोट देंगे नहीं। अच्छा, उन्होंने तो जन्म से अधिकार कर दिया है, ठीक है, माथे पे लिखवा दिया कि हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है। चाहे आप उनके लिए घर बनाओ, चाहे आप मिडिल क्लास वालों से टैक्स लो, टैक्स बढ़ा दो, आप उनको दे दो। ठीक है, आप उनके लिए कुछ भी कर दो, वो आपके लिए वोट नहीं देंगे। मेरे दोस्त मुसलमानों के लिए फरीदाबाद में कितने मकान बने कुछ मालूम है आपको? आप जाके उससे पूछिए ना। किससे? जहाँ पे मैंने तो पूछ लिया अभी, इनका खुद का घर नहीं है। अच्छा, किसको मिलता है पक्का मकान, जिसका पक्का मकान, आप बटखल गांव में जाइए, हर हफ्ते फ्री राशन मिलेगा आपको। वो तो चलिए मेरे साथ। अरे भाई वो मैंने करे बड़कल के ही है, बात करिए आप, चलिए मैं दूध लेने जाता हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा आपको, वो क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ ना, तो कांग्रेस को ले आएंगे तो जो भी शांति होगी भंग हो जाएगी, रोज दंगे होंगे, कांग्रेस मतलब दंगा करवाना, हिंदू और मुसलमानों में दंगे करवाना। ठीक है, कांग्रेस सिर्फ वो पीछे कह रहे हैं इससे खांदी के रोजगार बहुत, नहीं बस इतना। बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा जो सुख भोगा मुसलमानों ने, आप बटखल रोड पे जाइए, चलिए होटल नहीं था मुसलमानों का, आज आपको लाइन से होटल नहीं, चलिए चलिए, मैं समझ गया जो आपके मन, मुसलमान वोट नहीं देते बीजेपी को, ये तय है। हाँ, आपका क्या नाम है? ये झारखंड के, इनसे छोड़, अरे बात करने की बात बोलूंगा, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार नाम है, अमीश कुमार। 10 साल से मैं देख रहा हूँ, और पहले जितने, ये तो सारा ही बोल ही चुके हैं, हाँ, लेकिन मैं 10 साल के अंतराल में देख रहा हूँ कि जितने यहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं, रोड में विकास हुआ है, ये मेट्रो आई है, उससे मेट्रो पहले की है? नहीं, 10 साल पहले तो यहाँ नहीं थी, 10 साल पहले ही थी, दस साल पहले से ही आई थी। इस सरकार ने जो है बल्लभगढ़ से गुड़गांव तक मेट्रो ले जाना क्या वादा किया था, जो आज तक 10 सालों में पूरा नहीं हुआ। अच्छा। या तो जानकारी पूरी रखी, नहीं तो झूठ मत बोलो। मैं ही बोल रहा हूँ कि मैं, हम 10 साल से आ रहे हैं, कुछ कुछ रोडों पे अच्छे कुछ कुछ दिखते हैं, विकास बढ़िया, और वहाँ बटखल झील का जो बात है उसमें भी बहुत पैसा आवंटन हुआ था, वो भी अब काम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से सरकार ठीक ही काम कर रहा है, कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है, इतनों आप करिए कुछ न कुछ छूट जाता है। और पब्लिक का जहाँ तक सवाल है ना, तो सब पब्लिक या सब जो अलग अलग समाज के लोग हैं तो एक तरफा वोट नहीं करते, इधर उधर होता है, वो तो होता ही, लेकिन तो मेरा मानना ही है कि जो गवर्नमेंट अच्छा काम करे उसके पक्ष में वोट पड़ना चाहिए। हाँ, जो जो अच्छा काम है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई देखिए जनता को
कौन किस पार्टी का विधायक है, कौन सी सरकार है, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उन्हें बिजली पानी स्कूल अस्पताल बढ़िया मिलने चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबके लिए रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो सब इस समस्या का समाधान करें वो सरकार अच्छी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो देख दोस्तों, अभी हमने दो चार लोगों से बातचीत की है, उनके विचार आपने सुने। कुछ कांग्रेस के समर्थक हैं, कुछ भाजपा के समर्थक हैं, कुछ लोग जो है निष्पक्ष बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो हाँ भाई, आप लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में? SGM नगर। अच्छा, क्या करते हैं? ढाबा नौशाद ढाबा। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है? चुनाव चल रहे हैं, पूरे हरियाणा में भी चल रहे हैं, और बड़कल जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें क्या माहौल लग रहा है? कौन सा उम्मीदवार किस पर भारी पड़ रहा है, किसकी संभावना है? उम्मीदवार वही है दोनों, अपना कांग्रेस और अपना बीजेपी के। अच्छा अच्छा, बाकी पार्टियों का नहीं? जो बसपा का, इनेलो का भी खड़ा है, आम आदमी पार्टी का भी खड़ा है। देखिए हमको तो ज़्यादा बोलना नहीं आता, हम क्या बोलते हैं, जितना आता उतना। हमें तो उम्मीद यही दोनों पार्टी में है। अच्छा, किसकी संभावना लग रही है, किसकी संभावना है आपको? संभावना लग रहा है कि इधर से कांग्रेस का ही है। इधर कांग्रेस की संभावना है, क्यों, कोई कारण? कारण देखिए, कारण तो हम नहीं बता सकते हैं, कारण तो देखो होते रहता ही है, इसके कारण तो हम कैसे बताएंगे। क्या नाम बताया आपने? नौशाद। ये नौशाद है, इनका ये ढाबा है, और इनका कहना है कि वो ज़्यादा तो कुछ जानते नहीं है राजनीति के बारे में, लेकिन इस बार जो है जो कांग्रेस की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है। आइए आगे और बात करते हैं कुछ लोगों से। हाँ भाई, जलेबी बना रहे हैं, हैं? क्या भाव दिए हैं जलेबी? 160 रुपये किलो। अच्छा, क्या नाम बताया? संतोष। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के कौन सा जिला हो? सिद्धार्थनगर। यहाँ कहाँ रहते हो? संजय कॉलोनी, SGM नगर। अच्छा, यहाँ किसका माहौल लग रहा है आपको? आप भी आ जाओ इधर, आओ आगे चलो सर। हैं? आगे चलो। हाँ भाई, इधर आ भाई, ये तल सब्जियों को दे, कैसे बन रही है जलेबियाँ गरम गरम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई मुझे भी सिखा दे कैसे बनती हैं जलेबी। हाँ, पहले भाई हमसे बात कर ले संतोष। अच्छा अच्छा, हाँ भाई तू आ जा इतने इधर। क्या नाम है? अतुल। कहाँ रहते हो? यूपी। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ पटेल चौक पे रहते हो, बड़कल क्षेत्र में। अच्छा, किसका माहौल लग रहा है यहाँ? अभी नए नए आए हैं, अभी कैसे बता सकते। अच्छा, आपको नहीं पता, नए आए हैं? यूपी के कौन से जिले से आए हैं? हरदोई जिला से। हरदोई, काम क्या करते हो? यहाँ डिस्क बनाते हैं। ईंट? नहीं। और यहाँ लोहे फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं, अभी नए नए आए हो भाई। ये तो नए आए हैं संतोष, आप बताओ, जलेबी आपने तल ली? हाँ, आप यहीं इधर आ जाए पहले। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? सर माहौल क्या है, दुनिया जानती है कि महंगाई दुनिया भर का है। अच्छा, बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा, महंगाई से त्रस्त हो? महंगाई से त्रस्त। और सड़क, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई, और अस्पताल, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं? कोई सुविधा नहीं है सर, धक्के खाओ अस्पताल में जाने के बाद, धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ भेजो वहाँ भेजते हैं। अच्छा, कोई सुविधा नहीं देते,
दवा लेने जाओ बीके तो भेजते जाओ मेहरौली, वहाँ से भेजेंगे वहाँ जाओ, कहेंगे दवा ही नहीं है इफेक्टिव अस्पताल में। अच्छा, आपके लिहाज से समस्याएं हैं? समस्याएं हैं। तो इस बार किसका माहौल है? इस बार तो सीमा तिरका भाजपा की थी, इस बार किसका माहौल है, कौन जूतेगा? अभी सर इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, जनता के मूड है, किसको क्या करेगी। हम आपसे कह दें कि नहीं ये है, कल का कुछ और हो जाए, किसके दिल की बात कोई नहीं, वो तो होगा, आप अपने मन की बात बताओ। हमारा तो हिसाब से माहौल दिख रहा है, हिसाब से कांग्रेस का माहौल दिख रहा है, कांग्रेस का माहौल दिख रहा है, महंगाई है, दवाई मिलती नहीं है, समस्याएं हैं, लेकिन काम धंधा तो अच्छा है? काम धंधा भी नहीं है सर। नहीं है? नहीं। जलेबी नहीं बिकती? काम है ही नहीं मार्केट में। चलिए, तुमने जलाबी जलेबी के तो पूछा नहीं, खिलाने का कोई बात नहीं, फिर खा। हम बनाए गए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। आइए। तो देखिए, ये हम लोग जो है आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और आपने रूबरू जाना कि उन लोगों की क्या समस्याएं हैं और जो यहाँ का माहौल है। अब दे सकते हैं, ये आगे भी ये नाला बना हुआ है, तो जो आम तौर पर मोटे तौर पर जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो हालात हैं कोई बहुत बढ़िया नहीं है, महंगाई जोरों पर है, दवाई मिलती नहीं है, लोगों को भटकना पड़ता है। जो अभी ये जलेबी बना रहे थे, अभी आपने इनका तो माहौल देख ही लिया कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इधर सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं, इसी क्षेत्र से जहां कांग्रेस के उम्मीदवार का ये लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा जोर है विजय प्रताप सिंह का, उसी तरीके से भाजपा के उम्मीदवार जो पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले ये धनेश हदलका जी पार्षद का चुनाव लड़ भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं, और ये भी मजबूती से विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की उम्मीदवार की जो बढ़त बताई जा रही है उसको ये पूरी कर सकें और तीसरी बार भाजपा का उम्मीदवार जीत सके। आइए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आज बड़कल विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो फरीदाबाद के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से बड़कल क्षेत्र एक पुराना और प्रसिद्ध विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र से पहले भाजपा की विधायक सीमा तिरका थी, लेकिन इस बार उनका पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और वो उनकी जगह धनेश हदलका, जिनका कि मैंने अभी फ़ोटो दिखाया, वो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से। और हमने अभी कुछ आम लोगों से बात की है। देखिए, इसको पटेल चौक बोलते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पटेल की मूर्ति है, सरदार पटेल की, जो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री रहे थे, उन्हीं के नाम पर ये पटेल चौक पड़ा हुआ है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, कई लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं। आइए इधर आ जाइए। हाँ भाई सेठ जी, क्या हाल है? बढ़िया हो? सब काम हो रहा है आपके? काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा जी मजा है। क्यों? एक तो इलेक्शन वालों ने तान फाड़ रखे हैं। अच्छा, ग्राहक कुछ बोलता है तो समझ में नहीं आता। अच्छा, वॉल्यूम थोड़ा कम होना चाहिए जी। अच्छा, क्या कहें, दो चार दिन के ये भी नहीं, दो चार नहीं, 5 तारीख तक तो झेलना पड़ेगा। नहीं, 5 तक तो 3 तक झेल लेंगे। हाँ, 3 तक झेल लेना। तो काम धंधा ये शोर शराबे की वजह से मंदा है या कोई लोगों के जेब में पैसा कम है? नहीं, लोगों के जेब में पैसा तो बहुत है। पैसा बहुत है? हाँ। तो फिर भी नहीं आ रहे? आते हैं, शाम को आते, टाइम तो होने दो। अच्छा, तो फिर यूँ क्यों कह रहे हो कि ग्राहक नहीं है? ये देखिए, खूब सजे पड़े हैं आपके सामने, धाधरी तो यही बोलेंगे। हाँ देखिए, ये भी है सारा है, दिखाएं जरा क्या क्या है। काम धंधा जो है ग्राहक निकलता है शाम के लिए। अच्छा, तो ये बोलो ना शाम, ये मत कहो ना कि ये मत बोलो ना। नहीं, काम है सुबह शाम का। अच्छा, बाकी का ऊपर वाले की दुआ से हम झूठ नहीं बोले, काम नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है। शंकर भाई, ये बताओ कि जो चुनाव चल रहा है बड़कल क्षेत्र में, किसका जोर है, क्या माहौल है? जोर तो जी महेंद्र प्रताप का लग रहा है। महेंद्र प्रताप का नहीं, महेंद्र प्रताप के लड़के का? हाँ, विजय प्रताप। मतलब कांग्रेस की संभावना ज्यादा है? हाँ जी। कारण
भाजपा से क्यों नाराज हो आप? नहीं जी, हम तो भाजपा से क्यों नाराज? ऐसा ही, भाजपा से नाराज तो नहीं है, पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो वोट भाजपा को ही दी थी। अच्छा, हाँ, नाराज किसी से नहीं है। लेकिन इस बार? इस बार तो अभी सोचा नहीं है जी। अच्छा, जिस दिन वोट पड़ेगा सुबह निकलेंगे, जब सोचेंगे मशीन बटन दबाते वक्त। फिर आपको कैसे पता है कि महेंद्र प्रताप का जोर है या महेंद्र प्रताप के लड़के का कांग्रेस का? ऐसा है जी, सुबह से 20 बार गाड़ी घूम जाती है यहाँ से। अच्छा, शोर शराब उन्हीं का ज्यादा लग रहा है तो इसलिए वो। अच्छा, माहौल उनका ज्यादा लग रहा है। तो ये शंकर भाई है, इन्होंने बताया है कि कांग्रेस का माहौल इनको लग रहा है, भाजपा का इस बार कम है। बराबर की टक्कर। आपका क्या नाम है? मदन लाल शर्मा। आप क्या काम करते हैं? नौकरी रेलवे से रिटायर हैं, यहीं रहते हैं। अच्छा, तो बड़कल विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? माहौल ठीक है, पहले बीजेपी थी, फिर मतलब बीजेपी दो पंचवर्षीय योजना रह चुकी है। हाँ सब, लेकिन ऐसा है अब जो है ये नज़दीकी, ये SDM नगर के नज़दीकी ये महेंद्र प्रताप जी, विजय प्रताप जी आ रहे हैं। अच्छा, इनका भी यहाँ अच्छा हिसाब किताब है। अच्छा, लेकिन पर्सनल बीजेपी की वोट भी पर्सनल होती है। हाँ हाँ, जो कमल की फूल की वोट है वो पर्सनल भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। तो वो तो पड़नी है वो, मतलब जो कट्टर जो भाजपा समर्थक है वो तो वोट डालेंगे, वो तो डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन ये है कि फिर यहाँ थोड़ा सा कुछ परसेंट विजय जी ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, विजय का, विजय का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हाँ, इस कॉलोनी में, मतलब SDM नगर में। SDM, अब हम बात करें यदि पूरे बड़कल विधानसभा क्षेत्र की, पूरे की करें तो जी टक्कर बिल्कुल बैठेगी, मतलब दोनों में जमकर टक्कर है। क्योंकि गणेश अब लग रहा है ये भी जो है पंजाबी कम से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो आप भी पंजाबी हैं? नहीं, मैं नहीं पंजाबी। अच्छा, मैं लोकल हूँ, वैसे मथुरा का रहने वाला। अच्छा अच्छा, तो उसमें कौम भी बहुत बढ़िया है उनकी। अच्छा, अगर वो ढंग से, मतलब पंजाब, मतलब इन चुनावों में पंजाबी फैक्टर भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। वो किस लिए, किस लिए करता है? देखो जी, एक आदमी कहीं बाहर से आके यहाँ रहे तो उनकी एक आपस की ग्रुपिंग और वो सब कुछ होता है। होता है, कास्टवाइज भी वोट होती है, कुछ जाति जाति समीकरण भी, सारे समीकरण चलते। चलिए चलिए शर्मा जी, आपकी बात में भी दम लगता है। हाँ भाई दोस्त, आप लोग यूथ हैं, नौजवान हैं, आपका इन चुनावों के बारे में क्या कहना है? क्या नाम है आपका? अमरीश नाम है मेरा। अमरीश? अवनीश। अवनीश, अवनीश क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, यहीं करते हैं। अच्छा, तो क्या माहौल है? बहुत अच्छी, बराबर ही टक्कर है इधर, बराबर ही टक्कर है, बराबर की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है, हैं? और उसके बाद ये हमारे भैया हैं बड़े, इनसे पूछ लीजिए आप। नहीं, इनसे तो बातचीत हो गई, इनसे तो हमने बातचीत कर ली। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम वंश है। वंश, वोट है तुम्हारी? अभी मेरी उम्र नहीं है। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 16। किसकी सपोर्ट में हो तुम्हारा परिवार? बीजेपी। बीजेपी के? तो क्या चांस लग रहा है आपकी टक्कर है कांग्रेस बीजेपी की? अच्छा, टक्कर है। पिछली बार 2500 वोटों से हारा था कांग्रेस का, तो 2500 का वो फैसला खत्म होगा या नहीं है? भाजपा को उम्मीदवार की जीतने की उम्मीद है? उम्मीद किसी की नहीं है, इक्वल है। अच्छा, बराबर बराबर की टक्कर है। तो ये है, क्या नाम बताया? वंश। वंश है, इनका भी वोट नहीं है, 16 साल के हैं, लेकिन इनका मानना है कि अभी जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन टक्कर जो है दोनों में जबरदस्त। हानी भाई साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। क्या नाम है? सतीश शर्मा। सतीश शर्मा। सतीश शर्मा, हाँ जी। क्या करते हैं? हमारी छोटी मोटी वर्कशॉप है इसी गली में आके। वर्कशॉप है? क्या माहौल है बड़कल विधानसभा क्षेत्र में? अब देखो भाई, क्या कह सकते हैं अब, जो ये तो पब्लिक के सबके मूड की बात है। पब्लिक वैसे चाहती है, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहे हैं? काम नहीं जो हो रहे। वादे सरकार ने किए थे या विधायक ने किए थे, नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं अभी। जब काम नहीं हो रहे हैं तो फिर भी क्या चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं बस, और क्या है। इनके अनुसार काम नहीं हो रहे हैं जो दावे किए गए थे, और लोग बदलाव चाहते हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं।
और जो मतलब उन्हें पत्रकार जी हैं पंडित में। पूरा नाम मूलचंद मूलचंद शर्मा जानते हो आप? हाँ, क्यों नहीं जाना। मैं गटर में गिरा था। अच्छा, मैं बिजली बोर्ड से। बिजली बोर्ड में क्या नाम बताया? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र, हाँ महेंद्र भाई, आराम तक खींच लियो ध्यान से। ठीक ठीक ठीक। मैं भाई वो हम अपना काम कर रहे हैं घर में। हाँ, ढक्कन का गटर खुला हुआ था, मेरा हाथ में फ्रैक्चर आया था, मैं ऐसे देख रहा था, मेरे हाथ में फ्रैक्चर।